हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा छठी की प्रश्नावली 7.2 में आपका स्वागत है। प्रश्नावली शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे बिन के बारे में। बिन के बारे में हम चैप्टर के शुरू में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसको दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं और फिर हम पढ़ेंगे मिश्रित बिन, उचित बिन और विषम बिन के बारे में। सबसे पहले बिन, बिन क्या होती है? बिन एक पूर्ण संख्या का एक भाग होती है, एक अंश होती है, और वो पूर्ण संख्या है वो एक भी हो सकती है या कई वस्तुओं का समूह भी हो सकती है। तो उस पूर्ण के जो अंश होगा, उसका जो भाग होगा, उसको हम बोलेंगे बिन। जैसे 1/2, 1/2 ये हमारी बिन है। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण का एक अंश है, भाग है, ये पूर्ण नहीं है, उसका एक भाग है, इसको हम बोलेंगे बिन। तो बिन के बाद हम पढ़ते हैं, आज पढ़ेंगे हम मिश्रित बिन के बारे में कि मिश्रित बिन क्या होती है। मिश्रित बिन उसे कहते हैं जिस बिन के अंदर एक भाग तो पूर्ण होता है और एक भाग होता है वो अंश होता है या भाग होता है। जैसे 1/2, ये एक मिश्रित बिन है, क्योंकि इसके अंदर जो एक है वो एक पूर्ण भाग है, पूर्ण संख्या है, और जो साथ में 1/2 है वो एक अंश है, भिन्न है, जिसको हम पढ़ेंगे 1/1/2 मिश्रित भिन्न। तो ये कहलाएगी मिश्रित भिन्न। इसके अलावा हम ले सकते हैं 2/3/4, ये भी एक मिश्रित भिन्न है, क्योंकि इसके अंदर एक संख्या तो पूर्ण है और एक जो संख्या, एक जो भिन्न है वो क्या है, एक जो भाग है वो भिन्न है, वो पूर्ण नहीं है, पूर्ण का अंश है। तो ये कहलाएगी मिश्रित भिन्न। नेक्स्ट है उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं? एक ऐसी भिन्न जिसकी वैल्यू या जिसका मान है वो एक से क्या हो, छोटा हो, उसे हम कहेंगे उचित भिन्न। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं 1/2 को, 1/3, ये सब क्या है, उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन सब की जो वैल्यू है, सबका जो मान है वो क्या है, एक से कम है, एक से छोटा है। 1/2, 1/3, 1/4, ये सब क्या है, एक से छोटी हैं, इनको हम बोलेंगे उचित भिन्न। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जिस भिन्न के अंदर अंश है जो, वो छोटा हो किससे, हर से। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, उसे हम कहेंगे उचित भिन्न। भिन्न के अंदर अंश को हम ऊपर लिखते हैं और हर को नीचे लिखते हैं, अंश बटे हर, ये भिन्न होती है। तो जिस भिन्न का अंश हर से छोटा हो, उसे हम कहेंगे उचित भिन्न। इसके बाद पढ़ते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न बिल्कुल उचित भिन्न का उल्टा है। तो वह भिन्न विषम भिन्न कहलाएगी जिस भिन्न का मान एक से क्या होगा, बड़ा, एक से बड़ा। या ये कह सकते हैं जिस भिन्न के अंदर अंश है वो हर से बड़ा होगा, वो कहलाएगी विषम भिन्न। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं 3/2, 5/3। हमने दो भिन्न लिए हैं, ये दोनों भिन्न ही विषम भिन्न है। क्यों? क्योंकि इन दोनों भिन्न का जो मान है वो एक से क्या है, बड़ा है। ये भिन्न भी एक से बड़ी है और ये भी एक से बड़ी है, दोनों का मान एक से क्या है, बड़ा है। दूसरा, इन दोनों भिन्नों के अंदर जो अंश है, ऊपर वाला जो अंश है वो क्या, हर से बड़ा है। तो विषम भिन्न के अंदर अंश जो होगा वो बड़ा होगा किससे, हर से। ये एक आसान सी पहचान है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा है हर से वो कहलाएगी विषम भिन्न, और जिस भिन्न का अंश छोटा है हर से वो कहलाएगी उचित भिन्न। बहुत ही सिंपल है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं सीधे प्रश्नावली 7.2 की प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न नंबर 1, ए पार्ट है इसका, इसे हमें दर्शाना है। प्रश्न हमारा कि संख्या रेखा खींचिए और उन पर निम्नलिखित बिंदुओं को बिंदु रूप में दर्शाइए। हमें एक संख्या रेखा खींचनी है और उस संख्या रेखा के ऊपर हमें इन बिंदुओं को दर्शाना है कि ये बिंदुएं उस संख्या रेखा पर कहाँ पर होंगी। तो बहुत ही सिंपल है, इन बिंदुओं को देखिए। 1/2 को छोड़ दिया जाए तो बाकी 1/4 है, 3/4 है, 4/4 है, इन सब बिंदुओं में नीचे जो हर है वो कितना है, 4। बाकी में इसमें 2 है, इन सभी में हर कितना है, 4।
और जो चारों की चारों जो भिन्नें हैं, इन चारों भिन्नों का जो मान है वो जीरो से क्या है, बड़ा है, और एक या एक से छोटा है। ये सारी जो भिन्नें हैं इन सभी भिन्नों का मान है वो एक से छोटा है या एक के बराबर है और जीरो से क्या है, बड़ा। तो ये सारी की सारी भिन्नें जीरो और एक के बीच में या जीरो से लेकर के एक तक कहीं ना कहीं पर मिलेंगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक संख्या रेखा खींचते हैं जीरो से लेकर के एक तक। ये हमने एक संख्या रेखा खींच ली जीरो से एक तक। अब इसके ऊपर हमें दर्शाना है कि जीरो से लेकर के एक तक ये भिन्नें कहाँ पर होंगी। तो देखिए, सब भिन्नों के अंदर इसको छोड़ दिया जाए तो इन तीनों भिन्नों में जो नीचे है वो हमारा हर है वो कितना है, चार। तो हम क्या करेंगे, जीरो से एक की जो दूरी है इसके चार बराबर भाग कर लेंगे, एक दो तीन और चार, एक दो तीन चार, इसके हमने चार बराबर भाग कर लिए। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे ऊपर है इसको लेते हैं हम एक बटा चार को, एक बटा चार। तो हम चलेंगे पहले बिंदु तक, ये हमारा पहला बिंदु है, तो यही हमारा हो जाएगा एक बटा चार। फिर है तीन बटा चार, हम चलेंगे तीसरे बिंदु पर, पहला दूसरा तीसरा, जो तीसरा बिंदु है ये दर्शाएगा तीन बटे चार को। इसके बाद है चार बटा चार, अब चलेंगे चौथे बिंदु पर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये जो बिंदु होगा ये दर्शाएगा चार बटे चार को, और चार बटे चार होता एक, और ये हमारा कितना है, एक ही है। इन तीनों को हमने दर्शा दिया संख्या रेखा के ऊपर। अब बारी आती एक बटा दो की, ये इनसे कुछ दिखने में अलग है लेकिन ये अलग नहीं है, समझिए इसको। एक बटा दो को हम लिख सकते हैं दो बटा चार, क्योंकि एक बटा दो और दो बटा चार में कोई अंतर नहीं, दोनों सेम संख्याएं हैं, दोनों की दोनों भिन्नें एक समान हैं। तो एक बटा दो को हमने दो बटा चार लिख लिया। इसके बाद आगे करेंगे दो बटा चार, अब इस भिन्न का भी हर है वो कितना हो गया, इनकी तरह चार हो गया। तो इसको दर्शाएंगे दो बटा चार, यानी दूसरा बिंदु पहला और ये दूसरा, तो ये हमारा दूसरा बिंदु हो जाएगा दो बटा चार। तो इस तरह से हमने सभी भिन्नों को संख्या रेखा के ऊपर आसानी से दर्शा दिया है। नेक्स्ट बी पार्ट है एक बटा आठ, दो बटा आठ, तीन बटा आठ और सात बटा आठ। इन सभी भिन्नों के अंदर जो हर है वो आठ है। तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे। अभी सभी जो भिन्न हैं इनका मान क्या है, एक से छोटा, क्योंकि ये सभी उचित भिन्न है, इनके अंदर अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये उचित भिन्न है, इन सब का मान एक से क्या है, छोटा। तो ये जीरो से लेकर के एक तक कहीं ना कहीं पर हमें मिलेंगे। तो हमने एक संख्या रेखा खींच ली जीरो से एक तक। अब नीचे सभी के अंदर अंश है वो आठ है, तो हम इसके हम आठ बराबर बराबर भाग करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, इसके हमने आठ बराबर भाग कर लिए हैं। सबसे पहले है एक बटा आठ, तो पहला बिंदु ये है, यही हमारा हो जाएगा एक बटा आठ। फिर है दो बटा आठ दूसरा बिंदु, पहला दूसरा, ये हमारा हो जाएगा दो बटा आठ। फिर है तीसरा बिंदु, ये तीन बटा आठ। फिर है सातवां बिंदु, चार पाँच छ, ये सातवां बिंदु, ये हो जाएगा सात बटे आठ। तो हमने सबको दर्शा दिया, बहुत ही आसान है। इसके बाद है सी पार्ट, दो बटा पाँच, तीन बटा पाँच, चार बटा पाँच और आठ बटा पाँच, इनको हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हम संख्या रेखा खींच लेते हैं पहले। यहाँ पर एक बात ध्यान देनी आपने कि इन सभी के अंदर दो बटा पाँच, तीन बटा पाँच, चार बटा पाँच और आठ बटा पाँच, सभी के अंदर हर है वो एक समान है, लेकिन ये जो आठ बटा पाँच है इसका मान क्या है, एक से बड़ा, ये क्या है, विषम भिन्न। ये सारी तीनों की तीनों पहली उचित भिन्न है, इनका मान क्या है, एक से कम है, तो ये जीरो से एक के बीच में कहीं ना कहीं आएंगी। लेकिन जो आठ बटे पाँच है उसका मान क्या है, एक से बड़ा, तो वो एक से आगे होगी और दो से पहले, एक और दो के बीच में होगी। तो पहले इन तीन को दर्शा लेते हैं हम इसके बराबर भाग करेंगे। इसको हमने जीरो से लेकर के एक तक मान लिया, इसके पाँच बराबर भाग करते हैं।
एक दो तीन चार और पांच। अब हमें तीनों को दर्शाना, पहले 2/5, 2/5 होगा दूसरा बिंदु, पहला और ये दूसरा, बहुत ही आसान है। तीसरा बिंदु ये हमारा हो जाएगा 3/5। फिर है चौथा बिंदु, ये हो जाएगा 4/5। तीन बिंदु हमने दर्शा दिए, अब हमारे पास बचता है 8/5, और 8/5 है इसका मान एक से क्या है, बड़ा है, तो ये एक से आगे कहीं ना कहीं पर मिलेगा, और 2 से क्या है, कम है, तो 1 और 2 के बीच में मिलेगा, तो हमने आगे 2 तक इसको संख्या रेखा को बढ़ा लिया। अब यहाँ से यहाँ तक तो हम चल के पहुँच गए 1 तक, हमारा जो 8/5 है वो किसके बराबर है, उसको हम लिख सकते हैं 1/3/5, या कह सकते हैं कि 1/3/5। ध्यान से समझना है इसको, बहुत आसान है। 8/5 को लिख सकते हैं 1/3/5, तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा 1/3/5। अब ये 1 से क्या है, 3/5 ज़्यादा है, तो हम यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँच गए, ये हमारा है 1। अब हमें 1 से आगे चलना है सिर्फ 3/5, तो जो 1 और 2 के बीच की जो दूरी है उसके हम 5 बराबर भाग करेंगे, कितने भाग, 5। तो आइए 5 भाग करते हैं, 1 2 3 4 और 5, उन 5 भागों में से हम ढूंढेंगे तीसरा बिंदु 3/5, तो पहला दूसरा और ये तीसरा, ये हो जाएगा हमारा 3/5, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन दूरी मापेंगे 0 से, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो है ये हो जाएगा 8/5। ध्यान देना, 0 से लेकर के इस बिंदु तक ये दूरी है 8/5, और ये दूरी है 3/5, तो हमें दर्शाना 8/5 को, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा 8/5, तो ये बिंदु आएगा हमारा 8/5। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित को मिश्रित बिंदु के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें यहाँ पर विषम बिंदु दी हुई है और उसे हमें मिश्रित बिंदु के अंदर बदलना है, तो सेकंड का जो ए पार्ट है उसको करते हैं पहले, 20/3, ये एक विषम बिंदु है क्योंकि इसका मान एक से क्या है, बड़ा है, तो इस विषम बिंदु को हमें मिश्रित बिंदु के अंदर बदलना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल मेथड है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 को 3 से भाग करेंगे, जैसे हम भाग करते हैं छोटी क्लास में, ऐसे ही 20 को हमने 3 से भाग किया, 6 पे जाएगा 18, शेष पर हमारा बचेगा 2, तो हम 20/3 को लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो संख्या बटे में है, 3 है, तो सबसे पहले हमने बटे को 3 को लिख लिया, इसके ऊपर, अब 3 के ऊपर हम संख्या, यहाँ पर हम लिखेंगे शेषफल, शेषफल हमारा कितना बचा है, 2, और यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा भागफल, जितने पर भाग दिया हमने, 6 पे भाग दिया है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 6/2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला पार्ट करते हैं, बी पार्ट, 11/5, हमने क्या किया, 11 को भाग दिया 5 से, 2 पे गया, शेषफल हमारे पास बच गया 1, तो हम 11/5 को लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम नीचे हमारा जो हर है, हर कितना है, 5, उसके ऊपर लिखेंगे जो हमारा शेषफल है, शेषफल हमारा कितना है, 1, और यहाँ पर आएगा हमारा भागफल, जितने पर भाग गया है 2 पर, तो यहाँ पर आएगा 2, तो हो जाएगा 2/1/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, सी पार्ट करते हैं, 17/7, 17/7, 17 को हमने भाग दिया 7 से, 2 पे जाएगा, 3 हमारा शेषफल बचेगा, वही काम करना है ऊपर वाला ही, सबसे पहले लिखेंगे हम हर को, हर हमारा है 7, इसके ऊपर लिखेंगे शेषफल, और यहाँ पर आएगा भागफल, भागफल हमारा है 2, तो 2/3/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी पार्ट है, 28/5, 28 को हम 5 से भाग देंगे, 5 पे जाएगा 25, 3 शेष पर बचेगा,
तो 28 बटे 5 जो है उसको हम लिखेंगे ऊपर वाले की तरह। बिल्कुल, तीन को पार्ट हम कर चुके हैं तो आपको शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा इसका त्रिकोण बनाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे हर। हर के ऊपर क्या आता है, हाँ शेषफल। क्या आएगा, शेषफल। और इधर क्या आएगा, हमारा भागफल। भागफल कितना है, पाँचवें भाग गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, ई पार्ट है 19/6। 19/6, 19 को हमने भाग दिया 6 से, 3 पे जाएगा, 1 क्या बचेगा हमारा, शेषफल। तो 19/6 को हम क्या लिख सकते हैं मिश्रित भिन्न के रूप में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हर 6, जो बटे में था 6 था वो, उसके ऊपर क्या आएगा, जो हमारा शेषफल है 1। इधर क्या आएगा, हमारा भागफल। भागफल कितना है, कितने पे भाग गया है, 3 पे, तो 3 सही 1/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है। अगला है एफ पार्ट 35/9। 35/9 भाग देंगे 35 को 9 से, 3 पे जाएगा, बचेगा 8। तो इसको हम लिखेंगे 35/9 बराबर, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हाँ हर। क्या लिखते हैं, हर। हर के ऊपर क्या आएगा, जो हमारा हर, हमारा 9 है यहाँ पर, हर कितना है 9। उसके बाद ऊपर क्या आएगा, जो हमारा शेषफल है, शेषफल कितना है 8। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, जो हमारा भागफल है वो कितना है 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न बिल्कुल 2 का उल्टा है, विपरीत है। 2 में हमें विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना था, और यहाँ पर हमें मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। तो इसका ए पार्ट करते हैं पहले, 7 सही 3/4। इसका तरीका क्या, बिल्कुल आसान तरीका है, जो नीचे है हमारे यहाँ पर जो हर है उसकी गुणा कर देंगे इसके साथ, जो पूर्ण संख्या है 7 के साथ, जमा उसमें जोड़ देंगे जो ऊपर अंश में है, जैसे यहाँ पर है 3, और बटे में वही आएगा जो इस मिश्रित भिन्न के अंदर बटे में है, वो कितना है 4। तो ये हो जाएगा 28 + 3/4, 31/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी पार्ट है 5 सही 6/7। ऊपर वाला ही मेथड अप्लाई करेंगे इसके ऊपर भी, बिल्कुल सेम, 7 की गुणा करेंगे किससे, 5 से, और क्या जोड़ेंगे उसके अंदर, ऊपर जो अंश है, अंश कितना है 6, और बटे में जो हर है, हर कितना है यहाँ पर 7। 7 × 5 = 35 + 6/7, 41/7, ये आंसर हो जाएगा। सी पार्ट है 2 सही 5/6, 6 की गुणा किससे करेंगे, हाँ 2 से, बिल्कुल 2 से जोड़ेंगे क्या इसके अंदर, ऊपर जो अंश है 5, और बटे हर, हर कितना है 6, 6 × 2 = 12 + 5/6, 17/6, ये आंसर हो जाएगा। डी पार्ट है 10 सही 3/5, क्या करेंगे इसमें भी वही, 5 की गुणा किससे करेंगे, 10 के साथ, 5 की गुणा 10 के साथ, और जोड़ेंगे क्या, ये ऊपर वाला जो अंश है 3, और बटे में वही जो इस मिश्रित भिन्न के अंदर हर है, वो कितना हर 5, तो 5 × 10 = 50 हो जाएगा, 3/5 यानी 53/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ई पार्ट है 9 सही 3/7, वही काम करेंगे इसके अंदर भी, 7 की गुणा किससे करेंगे 9 से, और क्या जोड़ेंगे, ऊपर जो अंश है 3, बटे आएगा जो हर है 7, 7 × 9 = 63 + 3/7,
66 बटे 7। अगला पार्ट है 8 सही 4 बटे 9। चार पार्ट, पांच पार्ट कर चुके हैं, छठा पार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक अभी तक सभी को ये जो मेथड है वो समझ में आ गया होगा। तो लास्ट पार्ट करते हैं, 9 की गुणा किससे करेंगे, 8 के साथ, और जोड़ेंगे क्या, ऊपर जो अंश है 4 और बटे में क्या आएगा जो इस मिश्रित बिन के अंदर बटे में है वो कितना है 9। तो ये हो जाएगा 72 जमा 4 बटे 9, 76 बटे 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।